हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं दही आलू, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए, आलू हमने लिया है 2 से 3 उबले हुए, जिसे हमने कट करके रखा हुआ है। एक बड़ा प्याज जो हमने कट किया हुआ है। मीठा नीम की कुछ पत्तियां है। सांभार है। हरी मिर्ची मैंने 3 लिया हुआ है, 3 से 4 हरी मिर्ची है और 2 लाल मिर्च लिया हुआ है। ये सारा दही आलू में डलने वाला है। और लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 1 से 2 चम्मच है। और हाफ कटोरी हमने लिया हुआ है दही, वो खट्टा दही है, होममेड दही है। तो इसे इन सब सामग्रियों को हम अभी यूज़ करने वाले हैं दही आलू के लिए। और ये कुछ मसाले हैं। तो चलिए, कढ़ाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। हमारी गरम हो चुकी है। गरम कढ़ाई में हम डाल रहे हैं राई, हाफ चम्मच चल जाएगा, हाफ चम्मच जीरा। इसे हम अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। तड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, कटे हुए प्याज को हमें अच्छे तरीके से भूनना है, हल्का ब्राउन होने तक का। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। ये इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना है, ब्राउन होने तक इसे पकने देना है। और ये बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। देन इसमें हमने डाला है अभी कड़ी पत्ता, और अभी हम डाल रहे हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। और अब डाल रहे हैं इसमें 2 लाल मिर्च, वो भी सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहा है। थोड़ा हल्का सा इसमें तीखापन आता है इस चीज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। देन हमने जो हाफ कटोरी दही लिया हुआ था, इसमें हमें जितना ग्रेवी करना है उस हिसाब से हमने पानी डाल देना है। देन इसमें हम डालेंगे अभी 2 चम्मच लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून, हाफ छोटा चम्मच हल्दी। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, वो भी 1 छोटा चम्मच। इन सब मसाले को हमने दही वाले पानी में ही डाल देना है, सारा उसी में हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे तरीके से फेंट के रख देना है। देन हमारा मसाला अभी पक चुका है, प्याज हरी मिर्ची जो हमने डाला था वो पक चुका है। तो इसमें हमने डाल दिया है आलू जो कटा हुआ था। देन मैंने इसमें अभी डाला है 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाला है। तो ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तीखापन आता है। तो हमने जो भी ग्रेवी रेडी करके रखी हुई थी दही की, वो हमने अभी इसमें डाल दिया है। और इसे हम अच्छी तरीके से अभी पकने देंगे। इसमें 1-2 उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कसूरी मेथी चुटकी भर की, वो भी एक अच्छा सा फ्लेवर लाती है, जो हमारे बहुत खाने में टेस्टी लगती है। तो आई होप आपको ये दही आलू की रेसिपी पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।